हे गाइस, वेलकम बैक टू इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि हम लोग रामलीला वाला भी ब्लॉग लाएंगे, और आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने, मैं और मेरे दोस्त लोग। तो आपको उस पूरे व्यू को दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में, और दिखाएंगे कैसे वहाँ रामलीला होती है। बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। मैंने ये माइक ऑनलाइन मंगाया और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस माइक से अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो बाद में देखा जाएगा कि कैसी आवाज़ आती है इसमें, एडिटिंग के समय देखा जाएगा। वैसे तो अभी भी देख लूँगा मैं वीडियो को रोक करके कैसी आवाज़ आ रही है, बट मैंने पहले ही चेक कर लिया, आवाज़ तो अच्छी आती है। अब जहाँ मेले में हम जा रहे हैं, ऐसा होता है ना, जैसे अगर हम माइक नहीं लगाएं तो मोबाइल जो है इधर उधर की, और हमारी वॉइस भी अच्छे से कैच नहीं कर पाता, जैसा कि आपने मेरे पहले व्लॉग्स में देखा होगा। तो इसलिए मैंने माइक ये ख़रीदा और अब इससे व्लॉगिंग करूँगा। क्या पता इससे थोड़ी अच्छी वॉइस आए, आप लोग को समझ में भी आए। बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं रेडी हूँ और अब हम चलते हैं रामलीला मैदान की ओर, और वहाँ पे दिखाएंगे आपको कैसे हो रही है वहाँ पे रामलीला। और अब तो सब कुछ लग ही चुका है, वहाँ दुकानें वगैरह सब दिखाने वाले हैं, तो लेट्स गो। तो मैं जा रहा हूँ पहले राहुल के घर, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मेले। तो राहुल के घर जाता हूँ और उसे लेके चलते हैं मेले को। तो हम आ चुके हैं अभी राहुल के घर में, ये बैठा है दीपू और ये रहा राहुल, पानी लाया मेरे लिए, पूरी बोतल घटक ले। तो बस अब राहुल हो रहा है रेडी, और फिर हम लोग जाते हैं रामलीला मैदान में और दिखाते हैं आपको रामलीला व्यू। तो राहुल भी तैयार हो चुका है, और दीपू भी, और मैं तो तैयार होके आया था। तो हम लोग अब जा रहे हैं रामलीला मैदान की ओर और दिखाते हैं आपको रामलीला, लेट्स गो। देखो ये झूला लगा है, दूर से ही दिख रहा है यहाँ। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं गांधी ग्राउंड, और ये रहा सामने, देखो मेला चल रहा है इसके अंदर, और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी आज बताने की पहली बार शर्म जैसी आ रही है, क्योंकि माइक लगा के जो आया हूँ मैं ना, ये माइक लगा के जो आया हूँ मैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही है। हम लोग आ चुके हैं मेले में, और ऊँट देखो यहाँ पे ऊँट है, और दुकानें वगैरह लगी हैं यहाँ पे, और ये देखो झूला, देखो ऊपर झूला, झूला कितना खतरनाक सा हो रहा है ऊपर। और मुझे तो थोड़ी थोड़ी शर्म सी लग रही है, लोग देखेंगे ऐसे मुझे तो क्या लगेगा भाई। शर्मा फेमस तो होने वाला होता है वो, शर्मा हाँ यार, ये भी बात हुई, शर्मा के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप देखिए यहाँ का रुचिकर मेला, ये मेला देखिए कितना खतरनाक हो रहा है। आज की भीड़, आज का भीड़ भड़का भी का, ये देखो यहाँ पे ऊँट है, ऊँट अच्छा ऊँट पे बैठेगा नहीं यार, ऊँट पे बैठे करूँगा रखे आ जाए। शायद आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। हम लोग पहले आप लोगों को दुकानें दिखाते हैं कुछ, तो ये रही दुकानें, कुछ दिखाते हैं आपको दुकानें। आप लोग को हम लोग झूला दिखाते हैं, झूले की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अंकित भैया भी आ चुके हैं अभी यहाँ पे हमारे संग, और ये रहा राहुल, इधर है दीपू, ले यार बता दिया, ले अब तो आगे दी अच्छी शकल, कहता है मेरी शकल अच्छी नहीं आती है, मैं अगर उसकी शकल अच्छी नहीं आती तो। हम लोग मिक्की माउस की तरफ जा रहे हैं अभी, राहुल को जलाना है मैं मिक्की माउस में। देखा
धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये लगा है मिक्की माउस और ये रहा बड़ा वाला झूला। और यहाँ प्रणाम करने के बाद आवाज लगाने लगे हैं गौतम ऋषि, अहिल्या अहिल्या प्रिय अहिल्या, कहीं से इंद्र की और चंद्र की माया प्रारंभ हो जाती है, छल का प्रारंभ यहीं से हो चुका है। मैं जब आऊं उससे पूर्व हमारे जितने भी साथ के, अब भीड़ स्टार्ट हो गई है आना यहाँ पे, शुरुआती दिनों में नहीं थी लेकिन अभी स्टार्ट होने लग गई भीड़। मैं सोचा था मैं कुछ शॉपिंग करना चाह रहा था पर वो दुकान नहीं मिल रही है मुझे यार। ले ले बोल 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 क्या बोल रहा था। हाँ बर्तन से एक बेलन लेना था ना, देखना था उसका प्राइस क्या है, तेरी शादी में भाभी जी को गिफ्ट करना होगा। बक हाँ कहीं यार बर्तनों की दुकान दिखे तो बताना, सर डबल बेड तो है ही नहीं। मैं सोचा था तेरी शादी में एक डबल बेड अपनी ओर से गिफ्ट कर दूँ, हो सकता है तेरी शादी में दूंगा। देख मैं याली कुर्सियाँ, हो सकता है ये डिजाइन देखो वो हट तो इट में भी पॉसिबल। ये देखो कितने मस्त मस्त डिजाइने आ रखे हैं यहाँ पे, ये सब राहुल की शादी में दी जाएंगी दहेज में, मैं करा रहा हूँ ये सारा इंतजाम। बच्चा है राहुल, इसको एक गुब्बारा दे दिया दिला करके खेलना है। कपड़ों से मैच कर रहा है बढ़िया। हेलो ये रहा भाई, ये रहा वो मंच जहाँ पर रोमांचक रामलीला दिखाई जाती है, कई किरदार यहाँ पर अपना बढ़िया बढ़िया रोल प्ले करते हैं। ये है हमारे यहाँ का गांधी ग्राउंड का मंच, जैसा कि हमने आपसे कहा था हम आपको यहाँ का मंच दिखाएंगे, अब हम आपको वो दिखा चुके हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ की कुछ रिसेस दुकानों की ओर। ऐसे रखते ही बन सकते वीडियो भाई। और राहुल हम लोग पता गायब हो गए, राहुल हमें ढूंढ रहा है, हम राहुल को ढूंढ रहे हैं, ये हम मिल रहा है यहाँ पे। कहाँ बजा रहा है, पकड़ के रखो इस बच्चे को, ये खो जाता है, पकड़ के रखो। तुम बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो, कुछ हो जाता आज तो। मैं जरा अपनी शक्ल देख लूँ कैसा लग रहा हूँ, मेरा माइक और ये रही मेरी शक्ल, ऊपर वाले दिखेगी क्या मेरी शक्ल। अंकित भैया लोग तो जा रहे हैं घर को टुक टुक से, और हम लोग अभी थोड़ी देर में जाएंगे। ये तो 10:30 हो गया और ब्लॉगिंग करते करते पता चला कब 10:30 हो गया। ये काश भाई मिलते रह रहे हैं सब लोग मिले। तो गाइस अभी पता नहीं क्या हो गया था माइक में, वो आवाज़ सही से नहीं दे रहा था, चिरपे जैसी उड़ती है, क्या पता है जो साउंड हो रहा है पीछे से उसकी वजह से हो रहा हो। तो हम लोग बिना माइक के वीडियो शूट करेंगे अब। जूस की दुकान, जूस की दुकान और यहाँ पे पीएंगे हम लोग जूस। तो हम लोग पी रहे हैं अभी जूस, अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और थोड़ा मन को शांति देने के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और माइक तो खराब हो गया, मूड थोड़ा सही है। और वैसे भी वहाँ जाके आपको कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही होगी सही से, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बाहर आके भी बोल लूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। और तो अभी हमने ले लिए चॉकोबार और चॉकोबार खाते हैं, एंजॉय करते हैं। राहुल खा रहा है आइसक्रीम, नीकू भी खा रहा है। आ चुके हैं हम लोग बाहर और दीपू और राहुल तो जा रहे हैं अपने घर और मैं भी अपने घर जाता हूँ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो गाइस वेलकम आपका नेक्स्ट नाइट ब्लॉग में, और हम लोग आ रखे हैं गांधी ग्राउंड में। ये देखो पीछे फूड है और ये है भैया लोग, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो, खाली है पूरा गांधी ग्राउंड, अभी ज़्यादा भरा ही नहीं है। Thank you.
अंदर बैठने हैं, टिकट पर्ची हमने ले ली है तो हम जा रहे हैं अंदर बैठने, अभी पर्ची दिखा के जाते हैं प्रूफ के तौर पे। दोबारा से अंदर बैठने, बाहर आ गए थे अभी, दोबारा अंदर से जा रहे हैं पर्ची निकाल लेते हैं पहले। आगे बिना पर्ची दिखाए वैसे ही, लेकिन हमने आपसे ये नहीं कहा कहीं आप ये सोचे न लग जाओ कि सबसे राजा राजा को, क्योंकि कल राम को राजा बनाना है, ऐसा ही होगा। आंटी लोगों ने पूरा ऊट को दबा दिया, ऊट बेचारा पागल हो गया होगा। पिताश्री आपको यहाँ का राजा बना रहे हैं। अभी हम घूम रहे हैं मेले में, सचिन लाठवाल की जगह ऊट आ गया सामने से। ये तो दबा के भी चले आ गया, तब भी पता नहीं चलेगा ऊट दबा के चले आया, इतना छोटा ना। चलो भाया मुंबई ले लिए, चल रहे हैं हम लोग आगे। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर और घर को जाने की तैयारी करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घर अपने। अभी मैं पहुंच चुका हूं घर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।